हाय एवरीवन, आशु को फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आशु कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आशु अच्छे होंगे, वैसे अच्छे रहे और खुश रहे। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू और मटर करी। इसको इडली के साथ खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? हाँ दोस्तों, आज हम कुछ नई तरीके बनाएंगे, तो चलो देर ना करके वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फटाफट से। मैं भी देर ना करके वीडियो शुरू करता हूँ फटाफट से। आलू मटर करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू और मटर को 10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ टमाटर रखा है, कुछ प्याज, हरी धनिया पत्ते, आलू। देखो हमारा फ्राई बॉयल हो गया है। एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल। इसका अंदर डाल रहे हैं प्याज, मसाला, नमक, हल्दी। इन सबको अच्छे से मिला देंगे, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये देखो हरी धनिया पत्ते, टमाटर, इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आलू और मटर। ये देखो, इसको अच्छे से पक जाने दीजिए। ये देखो अच्छे से पक गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है, रेड कलर। इसको पानी दे देंगे और फिर 10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखो छोड़ दिया है हमने। इसके बाद ये देखो बॉयल हो गया है अच्छे से। इसके अंदर हम करी गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखो बन के तैयार हो गया है आलू और मटर करी। ये इडली के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो रहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पर।